नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट विकास रतन गोयल। और हमारे साथ आज है दिल्ली के एमएलए करोल बाग के विशेष रवि जी। विशेष रवि जी लगातार 3 बार दिल्ली के एमएलए चुने गए हैं, पिछली लास्ट 3 दफा। और ये जानकर आपको खुशी होगी कि अभी ये कोविड से रिकवर भी हुए हैं, ये और इनके भाई। और ये लगातार कोविड से रिलेटेड काफी काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। और अभी रिसेंटली इन्होंने प्लाज्मा डोनेशन भी किया, जिसके कारण ये न्यूज में रहा है। आजकल हम देख रहे हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हर जगह प्लाज्मा डोनेशन की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एमएलए जो खुद प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, उनसे थोड़ा इसके बारे में बात करें, जाने कि प्लाज्मा डोनेशन क्या होता है, क्या एग्जैक्टली प्रोसेस है, लोगों को किसके थ्रू गुजरना पड़ता है, ताकि ये हम सबके लिए आसानी हो सके और थोड़ी सी अवेयरनेस फैल सके। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा विशेष रवि जी आपका प्रोग्राम में। जी, धन्यवाद। तो आप कोविड से गुजरे हैं, पहले तो ये बताइए आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कितना टाइम हो गया आपको? 20 या 21 तारीख को हमारा टेस्ट नेगेटिव हुआ था मई में, ओके। और अब ठीक है, काफी रिकवरी हो चुकी है आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, देखिए प्लाज्मा को लेके हम बड़े स्पेसिफिक एफएक्यूज पूछेंगे। सबसे पहली चीज ये कि अगर किसी को प्लाज्मा डोनेट करना है तो दिल्ली में कहाँ कर सकता है, उसकी प्रोसेस क्या है? दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ पे पूरे देश के अंदर एक नई पहल जो है शुरू की है, जिसका के अंदर एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा बैंक बनाया है। बैंक के अंदर हम दिल्ली के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे, अपने लेवल पे, कि जो लोग भी रिकवर हो रहे हैं कोविड से, वो सब लोग वहां जाकर उस बैंक में प्लाज्मा डोनेशन करें। और सभी हॉस्पिटल को जो लोग पेशेंट से डील कर रहे हैं, और जिस भी पेशेंट को प्लाज्मा डोनेशन के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो वो हॉस्पिटल उस प्लाज्मा बैंक से कांटेक्ट करते हैं, और वहां से फिर उनको जो जिस भी ग्रुप का प्लाज्मा चाहिए वो उनको मुहैया किया जाता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ी सी वैज्ञानिक जानकारी के लिए। ब्लड डोनेशन तो आप सबने कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, क्योंकि भारत की जनता इसको लेकर बहुत अवेयर हो चुकी है। तो प्लाज्मा डोनेशन भी लगभग ब्लड डोनेशन की तरह है, प्रक्रिया है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि ब्लड आपकी बॉडी से लिया जाता है, ब्लड में से जो रेड WBCs, व्हाइट WBCs और प्लेटलेट्स, उनको तो वापिस आपके शरीर में भेज दिया जाता है, लेकिन जो बाकी का बचा हुआ पानी का कंटेंट है, उसको वाटर कंटेंट, सोल्ट, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज जो होती हैं, उसको अलग कर लिया जाता है, जो पेशेंट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में लगभग कितना, 1 घंटा लगता है? 45 मिनट्स, आधे घंटे से 45 मिनट। और एक और बात ये कंफर्म कीजिए कि जनरली जो ब्लड डोनेशन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप 2 से 3 महीने में एक बार कर सकते हैं, प्लाज्मा डोनेशन को लेकर ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है अगर किसी को बार बार डोनेट करना हो तो? 15 से 20 दिन में कर सकते हैं आप। ओके, तो अगर कोई कोविड पेशेंट इस समय ठीक हो चुका है अपने नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद, विद इन नेक्स्ट 1 मंथ, जब तक कि उसकी एंटीबॉडीज रहेंगी बॉडी में, वो डोनेट कर सकता है 2 से 3 बार। ठीक होने के बाद जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, तो उसके 15 दिन के बाद डॉक्टर्स कहते हैं कि आप एलिजिबल हैं फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज एलिजिबिलिटी तब बनती है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, तो डॉक्टर्स पहले आपके ब्लड का सैंपल लेते हैं, और उसके बाद उस सैंपल को टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि उसमें एंटीबॉडी डॉट बने हैं या नहीं बने हैं। अगर बने हैं, तो तभी हम प्लाज्मा वहां पर उस पेशेंट से लिया जाता है। अगर उसके एंटीडॉट्स नहीं बने हैं, तो फिर उनको वेट करने के लिए कहा जाता है। ओके, तो आप एक बार प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। एक बार कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, वो कोविड पेशेंट नहीं थे, लेकिन नॉर्मली उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को ये डर होता है कि यार मैं घर पे ठीक तो हो गया बिना हॉस्पिटल जाए, लेकिन अगर अब मैं डोनेट करने जाऊंगा, वैसे ही संक्रमण हो रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इधर उधर है, तो कहीं मैं हॉस्पिटल में ना जाऊं, हॉस्पिटल में जाऊं और मुझे कोविड हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे विशेष जी?
देखिए, ऐसा होने की संभावना तो है, लेकिन जो डॉक्टर्स कहते हैं वो ये है कि 1,000 में एक आदमी ही दोबारा संक्रमित हो सकता है। अगर आप एक बार पॉजिटिव हो गए हैं तो उसके बाद दोबारा पॉजिटिव होने का चांसेस जो है उसमें कम होते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस वायरस ने आपको इन्फेक्टेड किया है, अगर उसी का कोई और रूप आपसे टच करता है, उसी का कोई और वेरिएशन आपसे टच करता है, तो आप दोबारा पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वैसे डॉक्टर्स के हिसाब से 1,000 में एक आदमी के चांसेस होते हैं कि दोबारा वो पॉजिटिव हो। ओके तो आप एक चीज और मुझे बताइए कि जो प्लाज्मा डोनेशन मैं वर्ल्ड में काफी जगह सुन रहा हूँ, लेकिन इंडिया में स्पेसिफिकली दिल्ली में मैं ज्यादा सुन रहा हूँ। कल एक न्यूज आई थी कि शायद हरियाणा में भी दिल्ली की तर्ज पर एक और प्लाज्मा बैंक बनने वाला है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट न्यूज। ऐसा क्यों है कि भारत के बाकी राज्यों में मतलब या तो मेरी जानकारी में कमी है, कुछ आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वहां कितना काम हो रहा है? नहीं, अभी आप ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में तो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही इसकी शुरुआत हुई, और दिल्ली के अंदर भी दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से परमिशन लेके कुछ पेशेंट्स पे इसका ट्रायल शुरू किया। ट्रायल के अंदर रिजल्ट अच्छे आए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली गवर्नमेंट को ये अलाउ किया कि हाँ ठीक है, अब आप इस डोनेशन प्लाज्मा डोनेशन वाले ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। जब ये शुरू हुआ दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर रिजल्ट और अच्छे आने लग गए, और दिल्ली में जब प्लाज्मा बैंक भी फॉर्म हो गया, तो उसके बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही और बाकी स्टेट्स ने भी देख के दिल्ली गवर्नमेंट को अब धीरे धीरे अपने स्टेट्स के अंदर प्लाज्मा डोनेशन और उसके बैंक को लेकर काम करना शुरू कर दिया। तो ये तो एक अच्छी शुरुआत है अगर भारत बिल्कुल के अंदर जगह जगह प्लाज्मा बैंक बने और वहां पर इस पर काम हो। तो बिल्कुल अब हम आते हैं हमारे इंटरव्यू के दूसरे पहलू की तरफ। विशेष जी, आप स्पेसिफिकली करोल बाग के प्रतिनिधि है, वहां की जनता के प्रतिनिधि है। वहां पर स्पेसिफिकली इस समय कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, कंटेनमेंट जोन्स क्या है, वहां पर लोगों की जो आर्थिक स्थिति है या फिर इस समय जो जूझ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप विवरण दीजिए, ब्यौरा दीजिए हमें थोड़ा। देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली कोरोना की बात करेंगे तो इस समय कोरोना की स्थिति बहुत कंट्रोल्ड है, नियंत्रण भी है, और हमारे यहाँ पर 3 कंटेनमेंट जोन जो हैं उनको हम डी कंटेनमेंट कर चुके हैं। कौन-कौन से? यानी 3, एक हमारा बापानगर का एरिया है, ये एक बहुत ही बड़ा और हाईली डेंस एरिया है। इसके अंदर एक ही एरिया में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे, और वो 40 दिन तक वो एरिया कंटेनमेंट जोन के अंदर रहा, वो एरिया डी कंटेन हुआ है। दूसरा एक एरिया हमारा देवनगर का है, उसको भी अभी हाल ही में डी कंटेन किया है। तीसरा रैगरपुरा का एक एरिया है, वो भी डी कंटेन हो गया है। अब सिर्फ एक पहाड़गंज का हमारा एरिया रहता है, वहां भी केसेस बहुत कम हो गए हैं, तो जल्दी ही उसको भी डी कंटेन करने वाले हैं हम। तो कोरोना के लिहाज से हमारा क्षेत्र जो है इस समय काफी नियंत्रित में है, कंट्रोल से स्थिति के अंदर है, और हमारे यहाँ केसेस वो उनकी संख्या बढ़ने वाली अब नहीं है, अब केसेस लगातार हमारे यहाँ कम हो रहे हैं। विशेष रवि जी, मैं यहां पर थोड़ी सी एक तीखी टिप्पणी या एक तीखा सवाल पूछना चाहूंगा। भारत की स्थिति विश्व में तीसरे नंबर पर आ चुकी है। कल की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें, दिल्ली में जो एक्टिव केस है वो बाकी राज्यों के हिसाब से बहुत कम परसेंटेज से बढ़ रहे हैं और दिल्ली काफी अच्छा कर रही है। लेकिन क्योंकि स्टेट्स के अंदर लॉकडाउन नहीं है, एक दूसरे स्टेट में आने जाने की आवाजाही नहीं है, अगर दिल्ली में नंबर कम भी हो जाते हैं और अगर इस एक दूसरे स्टेट से आवागमन हो जाता है तो उस केस में तो नंबर फिर से बीफ अप हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति को नियंत्रण करने के लिए आप और आपकी सरकार क्या केंद्र सरकार के साथ मिलकर कोई रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि ये तो पॉसिबल है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और हमें लगता है कि ये तो ऐसा तो होना ही है, इसको आप रोक नहीं सकते। किसी स्टेट के अंदर अगर केसेस कम हो गए हैं तो दिल्ली जैसा अगर महानगर है तो वहाँ तो सब लोगों ने वापस आना ही है। जो लोग यहाँ से चले गए थे अपने गांव, वहां से लोगों ने काम की तलाश में दोबारा आना ही है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि दिल्ली के अंदर इस समय, क्योंकि बहुत अच्छा रिकवरी रेट दिल्ली का ऐसा बना हुआ है, तो
तो 70% बेड जो है हमारे इस समय खाली हैं। जो ओके बेड दिल्ली गवर्नमेंट ने तैयार किए थे उसके 70% बेड हमारे खाली हैं, और 40% वेंटिलेटर बेड वो हमारे इस समय खाली हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो अगर हम 70% की बात करें तो कितना नंबर में बता सकते हैं आप कि कितना लगभग? नंबर में अगर हम बात करें तो लगभग 5,000 बेड, पांच ओके से 6,000 बेड इस समय दिल्ली के अंदर खाली हैं, और वो कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए तैयार हैं। और एक अच्छी बात दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि दिल्ली सरकार आई थिंक राज्य की देश की एक अकेली सरकार है जिसने ऐप और वेबसाइट लॉन्च की है जिसमें आप प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में वैकेंट बेड्स और फिल्ड बेड्स की संख्या आप देख सकते हैं ताकि जनता के साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। मेरा ये सेंट्रल सरकार को भी एक सजेशन था कि ये सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए ताकि वॉर फुट पर सभी स्टेट्स पे इस पर काम हो सके। इसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट ने ऐप बनाकर बेड्स को ट्रांसपेरेंट किया है, बल्कि जो हॉस्पिटल बेड्स के रेट्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स के अंदर रेट्स हैं, जो पहले जो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पैकेजेस दिए जा रहे थे कोरोना के लिए, 6 लाख 7 लाख रुपए, 12 दिन के, 15 दिन के, 20 दिन के, सरकार ने कैपिंग कैपिंग करके उसके अंदर उनके रेट्स को भी रिस्ट्रिक्ट किया है। और अब अगर आपको नॉर्मल बेड चाहिए तो उसके लिए रेट फिक्स है, अगर आपका आईसीयू बेड है तो उसके लिए रेट फिक्स है, और अगर वेंटिलेटर बेड है तो उसके लिए भी जो है एक नॉमिनल रेट फिक्स किया गया है सर। धन्यवाद विशेष जी इसके लिए। एक क्वेश्चन और, ये ऑक्सीमीटर क्या चीज है? 60,000 लोगों को घर पर एक छोटी सी डिवाइस भेजी गई है दिल्ली सरकार द्वारा, ये क्या चीज है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप बाकी जनता को, बाकी राज्यों में लोगों को जो होम क्वारंटाइन है, ताकि उनको भी थोड़ी सी सीख मिल सके। जी, ऑक्सीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जिसको हम अपनी फर्स्ट फिंगर के अंदर हम लगाते हैं, तो उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट उसको मॉनिटर कर सकते हैं। बीमारी के अंदर कोरोना आप अगर पॉजिटिव हैं तो इसमें जो सीरियस लक्षण जिसको हम कहते हैं वो आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होना कहते हैं। जब आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है तो वहां से फिर प्रॉब्लम होना शुरू होती है और सीरियस कोई चीज हो सकती है। सरकार ने जितने भी लोग दिल्ली के अंदर पॉजिटिव हो रहे हैं, कहीं से भी कोई टेस्ट आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव हो रहा है तो गवर्नमेंट उस पेशेंट को एक ऑक्सीजन दे रहे हैं, और उससे कहा जाए कि वो लगातार अपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेवल को मॉनिटर करें, और किसी भी समय अगर उसको लगता है कि ऑक्सीजन लेवल का डाउन हो रहा है तो एक नंबर भी दिया गया है, बल्कि एक पूरी किट दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से, किट दी जा रही है जिसके अंदर ऑक्सीमीटर, जिसमें पैरासीटामोल की टेबलेट्स, दो तीन टेबलेट्स और एक नंबर, हेल्पलाइन नंबर, ये पांच छह चीजें मिलाकर एक किट दी जा रही है सभी पेशेंट्स को, और कहा जा रहा है कि वो घर पे अपना ध्यान रखें और ऑक्सीजन लेवल कम होने पे तुरंत वो उस नंबर पे फोन करें। पहले गवर्नमेंट उस पेशेंट के घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाती है, अगर उसमें वो कंट्रोल उनका ऑक्सीजन लेवल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसमें कंट्रोल नहीं होता तो फिर गवर्नमेंट एम्बुलेंस के थ्रू उनको आईसीयू बेड या जो उनको जरूरत है उस बेड तक, हॉस्पिटल तक पहुंचाती है। धन्यवाद विशेष जी। आप दर्शकों, अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे एक कमेंट आ रहा है, आपके पीछे कोई डिवाइस तो नहीं है जो ऑन है जहां से आवाज आ रही हो? कुछ दर्शक कह रहे हैं कि इको की आवाज आ रही है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं माफी चाहता हूं अगर कोई इको हो रही है तो हम अगली बार उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑक्सीमीटर या जो किट है, इसका खर्चा कितना है? क्या मरीज को इसका पैसा देना पड़ रहा है या ये दिल्ली सरकार की फ्री स्कीम में से आता है? देखिए, ये इस समय महामारी के समय किसी भी तरह का पैसा लेना जनता से जो है वो पूरी तरह गलत है। तो ये बिल्कुल निशुल्क है, सरकार की तरफ से कोरोना पेशेंट्स के लिए है कि वो अपने घर पे अपनी अच्छे से देखभाल करें, अपना ध्यान रखें, तो एक सुविधा के तौर पे सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, निशुल्क है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि ये निशुल्क सुविधा है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि ये बहुत छोटी सी डिवाइस होती है ऑक्सीमीटर। आप इसको सिर्फ हाथ पर, उंगली पर लगाकर अपनी ऑक्सीजन के लेवल्स को जांच सकते हैं।
और जैसा कि विशेष जी ने बताया कि क्रिटिकलिटी के लिए जांचने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है या नहीं। अच्छा विशेष जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, जान रहा था, तो एक इंटरेस्टिंग चीज, आपकी रिसेंटली शादी हुई है, आप भी हमारी तरह यंग ही हैं, अभी 37 साल के हैं, आप यंगेस्ट एमएलएज में रह चुके हैं। आपकी जो शादी थी वो कम्युनिटी में, ग्रुप्स में हुई थी, मतलब कि उस समय काफी सामूहिक शादियां हुई थी, आपने एक मंडप में काफी जोड़ों ने शादी की थी, ये जी क्या जी मामला है, बिल्कुल थोड़ा सा बताएंगे इसके ऊपर। दरअसल चुनाव राजनीति में आने से पहले हमारी पिताजी की एक संस्था है जिसमें हम काम कर रहे थे, और वो संस्था हर साल हम उसमें गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करते हैं, अच्छा और पिछले 15 साल से वो कार्यक्रम चल रहा था। तो जब विधायक बने और उम्र भी हो चुकी थी शादी की, और जब शादी की संभावनाएं बनी, तो सबने परिवार में मिलकर तय किया कि हमारी शादी जो है वो सामूहिक विवाह में की जाए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि सामूहिक विवाह करना जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको शर्म आए। आज की जो शादी है जिसको हम आमतौर पे हम शादी में जाते हैं, तो वहाँ इतना खर्चा होता है, इतना कंपटीशन लगता है हर शादी के अंदर दूसरी शादी को देखकर, कि वहां इंतजाम देख के लगता है कि बस यही यही आखिरी चीज है, इसके बाद कुछ और अच्छा, है ही नहीं। जबकि कितने साल हो गए जी आपकी शादी को विशेष जी? तो अभी 3 साल हो गए, 2015 में शादी हुई थी, इसका एक 17 फायदा में। ये फायदा भी होता होगा कि समूह में जितने दोस्त, उनके आपकी इकट्ठी शादी हुई होगी, तो किसी को जो मैरिज एनिवर्सरी की डेट याद नहीं रहती, तो एक आधा तो याद करा ही देता होगा कुछ ऐसा कभी। नहीं, वो लोग जिनके साथ हमारी शादी हुई थी उनको हम जानते नहीं थे, वो कोई कुक था, कोई दर्जी था, कोई और अपना कोई छोटा मोटा काम, मतलब सभी सामान्य एकदम आम लोग थे जिनके साथ हमारी शादी हुई थी। तो वैसे वो संपर्क में नहीं है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में शादी होने के बाद तो तारीख याद रखना तो बनता है। अच्छा, ये देखिए, मैं इस पर जवाब नहीं दूंगा। तो अच्छा, जी विशेष जी, इस समय कोविड चल रहा है, पूरा राज्य है, देश में काफी जगह सरकारें इस समय इस महामारी से जूझ रही हैं। इसके अलावा, मतलब कि पिछले 2 टर्म्स में आप थोड़ा बताएंगे, थोड़ा सा कि आपका एमएलए के तौर पर ये राजनीति के अंदर आना, क्या काम आपने किया करोल बाग में, स्पेसिफिकली क्या क्या आपने करोल बाग को लेकर सुधार किए कि आप कह सकते हो कि यहां मेरे आने से पहले ये नहीं था, इतने प्रतिशत ये बढ़ गया, स्पेसिफिकली बहुत पिन पॉइंटेड प्लीज। देखिए, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम अगर एक या दो बिंदु में बात करें कि क्या फर्क लोग महसूस करते हैं जो लोग हमें आके बोलते हैं, कि एक तो आम आदमी पार्टी और हमारे आने के बाद से जो विधायक से मिलना जिसको लोग एक बहुत बड़ा चैलेंज मानते थे, अगर किसी विधायक से मिलना है और हमारी कोई समस्या है उसको बात करनी है, पहले बड़ा जुगाड़ करना पड़ता था, जो एमएलए हैं उनके साथ में चलने वाले लोगों को पटाना पड़ता था कि विधायक जी से मिलवा दो, और उसके बाद बड़ी जद्दोजहद के संघर्ष के बाद आपको साक्षात जो है विधायक जी के दर्शन होते थे, उनसे मिलने का आपको मौका मिलता था। तो हमारे आने के बाद जी इस बात पर तो मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब मैं विशेष रवि जी का 2 या 3 दिन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और ये इंटरव्यू पहले भी हो सकता था, लेकिन हमेशा इनका कोई काम निकल आता था कि किसी की मदद कर रहे हैं, या फिर कहीं जाकर ये डोनेशन कर रहे हैं, या फिर किसी प्रोग्राम में रहते थे। आज भी ये इंटरव्यू 3 घंटे पहले हो जाता, लेकिन ये रास्ते में थे काम करते करते, तब जाके ये इस समय तो इनके वहां तो रात हो चुकी है और अपना समय दे पा रहे हैं। अगला पॉइंट बताइए जी। तो पहला बिंदु तो यही हो गया कि हमारे आने के बाद से जो उपलब्धता है विधायक की मिलने की लोगों की, वो बहुत आसान हो गई है, मुश्किल नहीं होता लोगों को, हर समय हम उपलब्ध हैं, लोगों के बीच में हैं, ऑफिस में हैं, फोन पे हैं, 24 घंटे लोगों के बीच में। और दूसरा जो एक बड़ा काम जिसको हम कह सकते हैं वो पानी को लेके हुआ है। आमतौर पे कोलबाग को जो देखते हैं हम, दूर से लगता है कि कमर्शियल एरिया है, बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर और बहुत ही पॉश इलाका है, लेकिन इस पॉश एरिया के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो
जो आज भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे जूझ रही है। जैसे पानी है, हमारे आने से पहले करोलबाग के अंदर पानी एक बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पर लोगों को आधा घंटा पौना घंटा बड़ी मुश्किल से पानी मिलता था, लेकिन पिछले 2 टर्म में हमने जो भागदौड़ की है, जल बोर्ड के ऑफिसर्स ने जो मेहनत की है, उसके बाद अब करोलबाग के अंदर 2 टाइम सप्लाई होती है पानी की और लोगों को बहुत अच्छा पानी मिलता है। और अब हमारा इस बार के चुनाव में ये मैनिफेस्टो में हमने डाला है, ये हमारा संकल्प है कि हम करोलबाग क्षेत्र को 24 घंटे पानी देंगे और वो साफ पानी उनके टैप्स में आएगा, ये संकल्प। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल्स के बारे में बात करें तो करोलबाग स्पेसिफिक एरिया में क्या हुआ है? करोलबाग के अंदर अगर हम स्कूल की बात करें तो 3 नए स्कूल बने हैं इस पीरियड के अंदर, और इंग्लिश मीडियम वो स्कूल्स हैं। और मोहल्ला क्लिनिक हमारे यहाँ पर 7 वर्किंग में है और 4 प्रपोज्ड किए हुए हैं, और अगर ये लॉकडाउन और ये कोरोना नहीं होता तो शायद अब तक वो चारों क्लिनिक्स और वो भी वर्किंग में हो चुके होते। अच्छा विशेष जी, मैं आपसे, क्योंकि आपने सामूहिक विवाह के बारे में बताया, मैं आपसे कोई वचन तो नहीं लेना चाहता, लेकिन कल को जब आपके बच्चे होंगे, क्या आप ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे? देखिए, जब तक बच्चे हमारी बात मानेंगे, जिस उम्र तक वो हमारी बात मानेंगे, उस उम्र तक तक ये हमारी गारंटी है कि वो हमारे बनाए हुए स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ेंगे या सामूहिक विवाह में वो शादी शादी करेंगे। तो हम तो मतलब कि जरूर चाहेंगे। इस चीज को अगर हम अपने प्राइम टीवी न्यूज चैनल जो है उसकी तरह अगर हम हेडलाइन बना सकते हैं और उसको बहुत जिंगोइज्म कर सकते हैं, तो एक एमएलए ने प्रण लिया कि अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा, और अगर पूरे देश में सभी नहीं एमएलए बिल्कुल, लग जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं बिल्कुल। और हमारे कई एमएलए ऑलरेडी उनके बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली सरकार के स्कूल के अंदर। कोई एग्जाम्पल है? अमानतुल्ला खान जी हैं जो हमारे ओखला से विधायक हैं, अच्छा जी, उनके बच्चे उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र के दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ हमारे एमएलए बल्कि हमारी सरकार के काम को देखकर हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल, उन्होंने भी अपने बेटे को उसी स्कूल में दाखिला कराया जहां वो विद्यालय में पढ़ाते हैं बच्चों। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। हमारे विधानसभा के अंदर, हमारे करोलबाग विधानसभा के अंदर हमारा एक स्कूल है जिसको हम प्लॉट नंबर 6 अशरफी देवी स्कूल, इसको हम बोलते हैं। उस स्कूल के प्रिंसिपल, उनका बेटा भी उसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहां वो प्रिंसिपल है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए, अशरफी देवी, ये कहाँ से नाम आया? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा विशेष जी बताइए इसके बारे में। ये एक पुराना नाम है, अशरफी देवी जी हमारे क्षेत्र की एक बड़ी फेमस सामाजिक कार्यकर्ता थी अच्छा, और उनके नाम से सरकार ने स्कूल का नाम रखा है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसके अलावा अभी जैसे आपकी डेली दिनचर्या क्या रहती है, अगर एक आज जनता का प्रतिनिधि जानना चाहे कि मेरा एमएलए क्या कर रहा है? वो तो खाली बैठा रहता होगा, वो तो कोविड में चला गया होगा, बीमार था, न्यू दाढ़ी बढ़ा रखी है, बीमार वर्ग। क्या क्या आपकी दिनचर्या क्या रहती है? हाउ विल बी अ डे इन अ लाइफ ऑफ विशेष रवि इफ समबडी वॉन्ट टू विजुलाइज? देखिए, अभी कोविड की वजह से दिनचर्या थोड़ी सी बदली हुई है। अभी क्योंकि बाहर निकलना और गवर्नमेंट ऑफिस में काम इतना नहीं हो रहा है और लोग भी इस समय बाहर कम निकल रहे हैं, लोग भी जहाँ जरूरी होता है वहीं बाहर निकलते हैं और ज्यादा काम इस समय फोन पे हो रहा है, तो दिनचर्या जो है हमारी वैसी रहती है जो आमतौर पर थी। पहले ये था कि पहले हमारा फील्ड वर्क काफी होता था, पहले ठीक बाहर है, निकलना होता था, अभी सिर्फ जहां जरूरी होता है। जैसे आज हम एक हमारा एरिया जो है उसको डीकंटेन किया गया है, तो उस एरिया के अंदर शिकायत आई थी कि ऑर्डर होने के बाद भी पुलिस ने बैरिकेडिंग नहीं हटाई है, तो हम अभी अच्छा, वहीं गए हुए थे वो देखने के लिए, और वहां पर उस जो बैरिकेड्स हैं उसको रिमूव करवाने के लिए, टीन शेड वगैरह हटवाने के लिए रैगरपुरा के अंदर। तो अदरवाइज अभी सारा काम, मैक्सिमम काम वो फोन पे हो रहा है, वीडियो कॉल के माध्यम से हो रहा है, व्हाट्सएप के माध्यम से हो रहा है। ओके ओके। तो विशेष रवि जी, आप दिल्ली के एमएलए को रिप्रेजेंट करने के लिए यूथ जो
एक डायलॉग सभा भी हुई थी रशिया में, पीस मीटिंग हुई थी दुबई में, आप वहां भी गए थे, थोड़ा उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे हमारी जनता के साथ प्लीज। जी, जी 2000 शायद 15 16 के अंदर एक ब्रिक्स यूथ फोरम है, जैसे ब्रिक्स फोरम है जहां आप जानते हैं कि 5 कंट्रीज हैं, साइड फोरम है, उनकी मीटिंग वगैरह होती हैं विषयों पर। ऐसे ही एक ब्रिक्स यूथ फोरम है जहां पर यूथ के आइडियाज को लेके कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। तो 17 में वहां जाने का अवसर मिला, यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे को यहाँ से सिलेक्ट करके वहां भेजा था। पूरे देश से 10 MLA, दिल्ली से हमारा आना हुआ था। और उसके बाद अभी हाल ही में 2000 के अंदर हुआ था, यहाँ से हम रिप्रेजेंट करने गए थे दिल्ली की तरफ से। दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे, वहाँ दूसरी कंट्रीज से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आए हुए थे, हमने काफी अच्छी डिस्कशन की, आइडियाज एक्सचेंज हुए और बहुत उससे लाभ मिला है, उससे फायदा मिला है, सोचने और समझने के अंदर जो है चीजें जानने के लिए बहुत लाभ मिला है। तो हम अपने इंटरव्यू के अंतिम क्षणों में आ रहे हैं अभिषेक रवि जी, लास्ट के 5 मिनट और लेना चाहूंगा। आपकी हॉबीज क्या हैं? कैसे आप अपने आप को व्यस्त रखते हैं जब आप व्यस्त नहीं होते हैं? और वैसे तो भी हॉबीज कुछ खास बची नहीं है अभी, क्योंकि समय नहीं होता है तो हॉबीज के लिए कुछ सोचने के लिए टाइम नहीं मिलता हॉबीज को पूरा करने के लिए। अदरवाइज बाइकिंग का शौक रहा है, और हमने 2013 के अंदर दिल्ली से हम वहां पर बुलेट हुआ करती थी उस समय रॉयल इनफील्ड, तो 2013 में हम यहाँ बुलेट से लद्दाख गए थे, रोड ट्रिप था दिल्ली से, एक ग्रुप था हमारे फ्रेंड्स का। और इसके अलावा कभी आरजे बनने का बड़ा जो है इंटरेस्ट पैदा हुआ था, कभी 2010-11 की बात हम कर रहे हैं, तो ये सब कभी हुआ करते थे इंटरेस्ट, लेकिन अभी कुछ समय नहीं लगता है, तो कभी मौका मिल गया तो पुराने गाने बस उनको सुन लेते हैं, और बाकी यही रहता है। तो विशेष रूप से भारत को लेकर आपका क्या सपना है? आप कैसे देखते हैं आने वाले भारत को? यूथ की नजर से युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें तो सपना हमारा यही है जो हर युवा का है कि हमारा देश प्रगति करे, हमारे देश का दुनिया के अंदर नाम हो, और दुनिया के लोग भारत को सम्मान की नज़र देखें। जब जहाँ भी भारत का, हिंदुस्तान का जिक्र आए तो लोग ये कहें कि ये बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध देश है, हमारे संस्कार और जो परंपराएं हैं हमारे देश की जिसके लिए हम जाने जाते हैं, उन सबको संभाल के रखते हुए हम जो मॉडर्न सुविधाएं हैं उनको भी अपनाएं और दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम हो। और यूथ के लिए बस इतना ही कहेंगे कि कि सब कुछ करते हुए जो आपके एम्बिशंस हैं, चाहे वो अच्छा पैसा कमाना है, चाहे अच्छी नौकरी करना है, कुछ और हासिल करना है, वो सब कीजिए, लेकिन उसको करते करते साइमल्टेनियस जो है पैरेलली जो है हम समाज और अच्छे कामों में भी अपना योगदान जो है वो बना के रखें। ऐसा ना सोचें कि अभी पहले हमने 5 साल जो है पैसा कमाना है, उसके 5 साल बाद जो है अपने आप को सेटल करना है, और उसके बाद जब टाइम मिलेगा, जब सब कुछ हो जाएगा, तब जो है समाज सेवा करेंगे या लोगों की हेल्प करने के लिए काम करेंगे। पैरेलली हम जैसे हम इस समय पैसे को या अपने जॉब एम्बिशन को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वैसे ही इसी समय हम अपने सामाजिक दायित्व, और कभी अगर ये ऐसा मौका मिलता है कि चुनाव लड़ने का और राजनीति में आने का, सक्रिय राजनीति में आने का, तो उसको भी हम जरूर जो है उसमें हम आने की कोशिश करें, क्योंकि ये सोचना है कि जब जब बुजुर्ग हो जाएंगे, जब सब कुछ कर लेंगे अपनी लाइफ में, तब समाज सेवा करेंगे, वो ठीक नहीं रहेगा, वो गलत गलत रहेगा। जैसे ये होता है कि
आदमी जो है जीवन के अंदर पैसा, पदवी और प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें हैं जिनके लिए जीवन में आके आदमी काम करता है। पैसा, पदवी और प्रतिष्ठा। सबसे पहले पैसे के लिए काम करता है, जब पैसा आ जाता है तो वो सोचता है कि कहीं थोड़ा पद पद भी मिल जाए, अब कहीं कोई RW का अध्यक्ष बन जाए, प्रधान बन जाए, विधायक बन जाए, या कोई और पोस्ट मिल जाए। और जब वो मिल जाता है, पदवी मिल जाती है, तो आदमी सोचता है कि अब थोड़ी प्रतिष्ठा भी कमा ली जाए, प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान मिल जाए, लोग हमारा आदर करें। तो ये इनको तीन फेजेस में ना देखकर, इन तीनों चीजों को, पैसा, पदवी और प्रतिष्ठा जो है, उन तीनों को हम साइमल्टेनियसली इन पे हम काम करें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट जो है, हम अपना योगदान जो है वो समाज के प्रति हम दे सकें, साथ साथ पूरे करें। धन्यवाद विशेष रवि जी इन शब्दों के लिए। मुझे यकीन है कि कुछ युवा इससे अलाइन कर पाएंगे। अच्छा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, आप 3 बार MLA रह चुके हैं, कभी आपने सपने में भी सोचा था कि आप स्वयं विकास रतन गोयल जी से ऐसे रूबरू हो पाएंगे? ठीक बात है, नहीं नहीं सोचा था। और परमात्मा ने ये हमारी सपना जो है बिना देखे पूरा कर दिया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने एक हम उम्र के साथ बात करते हुए, हम एक उस लेवल पे, उस वेवलेंथ पे काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो लेकिन एक बात युवाओं, मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जो आपने बात की है उसमें ये, कि मुझे ये लगता है कि आदमी सच में अगर कुछ भी चीज चाहता है करना, सच में कोई चीज चाहता है पाना, सच्चे मन से अगर वो चाहता है तो परमात्मा उसको देते हैं। और जैसे एक शाहरुख खान की एक मूवी का एक डायलॉग है कि जब आप सच्चे मन से किसी चीज को चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको हासिल करने में आपकी मदद करती है। तो तो ये डायलॉग को ढंग सच्चाई से है। हाँ बोलिए, जी इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की। बिल्कुल, किसी भी सारी चीज को बोलिए, हम चाहते हैं सच में तो सच में जो है वो हमें हासिल होती है। अच्छा अब आपको कुछ जादुई प्रश्न पूछता हूं कि इस समय ऐसी क्या कठिनाइयां आपके सामने हैं कि आपको छू मंतर से वो हट जाए तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाए? इस समय तो ये कोविड की थोड़ी सी दिक्कत है, और उसमें दिक्कत भी जो है वो यही है कि जो लोगों के अंदर घबराहट है, जो एक डर है, जो कोविड के आ जाने से बन गया है। अभी आप देखें कि जो कोविड पेशेंट्स हैं, या लोग हम बात करें, वो बीमारी से नहीं उनको प्रॉब्लम है, जो बीमारी का डर है, जो बीमारी का भय है, वो बहुत दिक्कत कर रहा है। एक आदमी वो बैठा हुआ आराम से, हमारे एक जानने वाले हैं, वो हमारे ही साथ जो है बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, उनका एक दिन पहले टेस्ट हुआ था हमारे साथ। जब वो बैठे हुए थे, जब तक उनकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक वो बहुत रिलैक्स थे, बहुत आराम से बात कर रहे थे, हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे। लेकिन एक फोन आया उनके पास और उसमें ये पता लगा कि वो पॉजिटिव आ गए हैं। तो वहीं से उनकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन है वो अलग से आने लग गए, वो टेंशन में, वो घबराहट उनके अंदर एक पैदा हो गया अलग से। और ये हमने देखा कि वो उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जो है वो लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। तो इस बीमारी के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो आदमी के दिमाग में जो एक भय है, जो इस बीमारी का बना हुआ है, जो एक घबराहट है, वो एक बड़ी दिक्कत है। और वो खत्म हो, लोगों के मन से इस बीमारी का डर खत्म हो, हम यही प्रयास करते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि बीमारी में कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मलेरिया है, डेंगू है, अगर हो गया तो आपको कुछ तो सिम्टम्स होंगे ही। आप ये मान के चले कि मुझे कुछ हो गया तो मुझे कुछ होगा भी नहीं, कोई सिम्टम नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको सिम्टम आएंगे, आप दवाई लेंगे, आप जो आराम करना है वैसे आराम करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये सोचिए, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया है, तो आप कुछ ना होके भी अपने आपकी अपनी तबीयत आप खराब कर लेंगे। विशेष जी, ये आपने बहुत बढ़िया चीज बताई कि जिंदगी है, चलती रहनी चाहिए, डर के आगे ही जीत है, हमें डर में नहीं हारना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, सिमरनप्रीत चतवाल जी वो कह रहे हैं कि मैं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हूँ, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये युवा आदमी जो हमारे साथ क्रिकेट खेला करता था आज वो सोसाइटी की हेल्प कर रहा है, ग्रेट वर्क। तो आप क्रिकेट भी खेला करते थे?
सभी इंडियंस की तरह हम भी खेलते थे। अच्छा, तो बैट आपका तो नहीं होता था कि आपकी बारी सबसे पहले आप ही लेते थे, ऐसा ऐसा कुछ होता था आपके ये तो होना ही है, जिसका साथ बैट है उसकी पहले टर्न है और उसको एक बार जो है चांस दोबारा ही मिलता है। ये भी? अच्छा आउट हो गए, ऐसे नहीं ये गलत आउट हो गए, एक बार दोबारा, अच्छा नहीं तो आपको मैं बैट लेके घर जा कैसा रहा हूँ। लग रहा है कि हमारे क्रिकेटर साहब अब आपकी अपोजिट टीम में आ गए हैं, दिल्ली में जो खेलते हैं, लेकिन वो थोड़े से आप 2020 के वो टेस्ट प्लेयर के, तो कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं ठीक है, देखिए उन्होंने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया है और हम उनका सम्मान करते हैं। अभी वो पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो नहीं चाहते भी उनको भी, क्योंकि वो अपोजिशन में है तो उनको चीजें बोलनी पड़ती होंगी, वो समझते हैं। लेकिन एज ए पर्सन, क्योंकि वो गौतम गंभीर जी जो हैं वो पहले हमारी ही विधानसभा में रहते थे, अच्छा उनका जन्म जो है, उनका जो पुश्तैनी मकान है वो यही हमारे यहाँ रामदास रोड पे ही है, और अच्छा वो अभी हाल ही में उन्होंने शिफ्ट किया है, तो हम उनको वैसे भी हमारे लिए जो है वो अजीज हैं, क्योंकि वो हमारे विधानसभा के एक नागरिक भी रहे हैं और उनका ओके परिवार अभी भी रहता है यहाँ पर। तो अदरवाइज वैसे भी वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं, और अब जो उनका पॉलिटिकल कैरियर है उसके लिए हम शुभकामनाएं देते हैं उनको कि वो अच्छा रहे। विशेष जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शायद ये हमारे युवाओं के साथ भी कहीं ना कहीं कोरिलेट करे। हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई है, हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कल को आपने कोई काम करवाया और उसमें मुझे जनता की तरफ से कोई कमी लगे, तो क्या मुझे उस पर आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए आपके खिलाफ? अगर ऐसा हो तो आपकी क्या राय है इस पर? आवाज बिल्कुल, अगर कोई काम ऐसा है जो आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हुआ है तो आवाज उठानी चाहिए। लेकिन आवाज उठाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो वो होता है कि आप चाहते हैं कि सुधार हो, ओके जो गलत हो गया है वो ठीक हो जाए। एक ठीक तरीका होता है कि आप सिर्फ जो है चाहते हैं क्रिटिसाइज करना, आप सिर्फ ओके निंदा करना चाहते हैं। मंशा अगर आपकी सिर्फ निंदा करने की है, शायद वो ठीक तरीका ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ चीजें ऐसी है कि जो ठीक नहीं हुई है उसमें सुधार हो, तो वो एक बेहतर, एक हेल्दी तरीका है कि आप उस चीज को ठीक भी करा लें, और जो हमारा वातावरण है वो वातावरण भी जो है वो ठीक बना रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कल आप मेरे को गद्दार कहने लग जाएंगे कि अगर मैं आपकी गलतियां बताऊंगा तो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जो जो ये कहता है वो गलत है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि अच्छा, तो जैसा कि फॉर्म जो है वो फीडबैक से ही आते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि प्रेस को कि आप हमारी गलतियां बताइए, जितने भी पॉसिबल क्रिटिसिज्म है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, जो एक्शनेबल है, हम उन पर काम करेंगे और उन पर बेहतरी कर कर दिखाएंगे। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का अगर एग्जांपल ले तो टेस्टिंग टीम जो डिफेक्ट निकालती है उसकी भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होती है जितनी डेवलपमेंट टीम की होती है, और रिपोर्टर्स का काम, जनता का काम उस टेस्टिंग टीम की तरह है जो काम की गुणवत्ता को चेक करे और उसके मापदंडों पर उसको खरा करे। तो महिलाओं की स्थिति पर विशेष जी आपको क्या लगता है? क्योंकि एक युवा जो पीढ़ी है और आजकल जो महिलाएं बहुत निकल कर आ रही हैं बाहर, जो अच्छा है वो आवाज बन रही है, आपको क्या लगता है? दिल्ली की राजनीति में भी महिलाएं आवाज बन के उभर रही हैं, आपको क्या लगता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, महिलाओं का योगदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और हमें पर्सनली ये लगता है कि इससे कोई पुरुष ऑफेंड ना हो, लेकिन हमें पर्सनली लगता है कि जितनी सिंसेयर और जितनी हार्डवर्किंग एक महिला होती है उतना पुरुष नहीं हो पाता। अच्छा और आप ये देखेंगे जब जिस भी वर्किंग स्पेस के अंदर महिलाएं होती हैं तो वहां एटमोसफेयर बड़ा डिसिप्लिन रहता है, तो ओके महिलाओं का योगदान जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और उनको हमेशा उनके लिए जरूरी है कि उनको प्रोत्साहन दिया जाए और वो कंधे से कंधा मिलाकर चलें।
इसी के साथ अभिषेक रवि जी, काफी समय हो रहा है आपके वहां भी, आप पूरे दिन से काफी व्यस्त रहे होंगे और कल भी आपको दिनचर्या स्टार्ट करनी है, तो मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से, अपने सभी दर्शकों की तरफ से। मैं धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही करोल बाग की और जनता की सेवा करते रहेंगे। अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे किसी इशू को लेकर करोल बाग में, या करप्शन के इशू को लेकर, या किसी और मुद्दे को लेकर, थोड़ा सा वो बता दीजिए कि वो आपको तंग कैसे कर सकते हैं। जो आप कह रहे थे स्टार्ट, आप कह रहे थे कि हमसे मिलना बड़ा आसान है। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि एमएलए से मिलना जितना भी आसान हो, लाइन हमेशा लंबी रहेगी, क्योंकि एमएलए एक ही रहेगा आपके एरिया में और आपकी जनता होगी 2 या 4 लाख। तो अगर 100 लोग भी मिलने चले गए तो 1 मिनट के हिसाब से 2 घंटे तो वैसे भी लगेंगे। तो उतनी कॉमन सेंस हम सबको रहनी चाहिए। बता दीजिए कि अगर संपर्क करना हो, ईमेल या जो भी है, कैसे आप तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं, या कोई सुझाव हो, या युवा वर्ग आपसे जुड़ना चाहता हो, या विरोध करना चाहता हो। देखिए, हमारे से मिलना है तो हमारे ऑफिस है हमारे विधानसभा में। दूसरा हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसको हम बोल रहे हैं, जो चाहे उसको अपने पास नोट कर लें। हमारा मोबाइल नंबर है 99537578914, 99537578914। ईमेल आईडी है delhi@gmail.com, delhi@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सभी प्लेटफॉर्म की आईडीज हैं, वहां भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ईमेल एक बार दोबारा बता दीजिए विशेष रवि जी, मुझे लगता है कहीं आवाज कट गई है शायद, प्लीज। जी, ईमेल आईडी है delhi@gmail.com, delhi@gmail.com। जी विशेष रवि जी, शुभकामनाओं के साथ हम आपसे हाजिरी लेते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत दुआओं शुक्रिया, में याद बहुत बहुत रखिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।